नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार दास कंपास गार्डन में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम कड़ी का पत्ता का जो है रूट से हम काट करके लाए हैं। देखिए ये रूट्स है, ये रूट में से काट के हम इसको लाए हैं। हम गए थे उसको बीज का समझ के, लेकिन देखिए नहीं, बीज के साथ ये जुड़ा हुआ नहीं है, ये तो रूट के साथ जुड़ा हुआ है। तो जड़ के साथ जुड़ा हुआ था तो हम इसको जड़ इधर से भी काट दिए, देख लीजिए, और इधर से भी काट लिए हैं, इधर से काटा हुआ है। हम पॉलिथीन लगा देते हैं अभी, तब तक हम कोकोपीट रखे हुए हैं इसके लिए, कोकोपीट के साथ लगाना चाह रहे हैं। इसको पहले हम देख लेते हैं क्या होता है, ये अगर लग जाएगा तो हम लगा दिए हैं। टेढ़ा है इसलिए लगा है क्योंकि इसका रूट के साथ कनेक्शन था, और जब ये रूट इसका इसमें डेवलप हो जाएगा ना, तब हम इसको जब गमले में लगाने लगेंगे तो फिर आपको दिखाएंगे इसमें लगा के गमला में कैसे ये ग्रो करेगा। इसका अब डिस्चार्ज कर गया है, पानी नीचे से निकल गया है इस पौधे में। ये कड़ी के पत्ते का जो प्लांट लगाया है इसको, अब जब इसका रूट इसमें विकसित हो जाएगा, डेवलप कर जाएगा, तो हम इसको गमला में लगाएंगे। उस समय आपको इसका भी वीडियो दिखाएंगे आपको कुछ दिनों के बाद। इसको हम रख देते हैं अब अलग से। ये कड़ी का पत्ता है, कड़ी का पेड़ है, इसको हम ग्रो किए थे। देखिए इसका रूट आ गया है, रूट इसका आ गया है, और एक बेबी प्लांट इसमें भी आ गया है। इसको हम अब मिट्टी में ग्रो करने के लिए देखिए दे रहे हैं। ये मिट्टी हमारा तैयार है जिसमें कंपोस्ट है और गार्डन सॉइल है, नीम का खल्ली है, कंपोस्ट है। Thank you.
देखिए नर्सरी से खरीद के लाए हैं हम ये पौधा, बीज का पौधा है जिसको अब हम लगाएंगे गमले में। मिट्टी हमारा तैयार था, इसमें कंपोस्ट है, नीम का खल्ली है और सैंड है, गार्डन सॉइल है। अब इसको हम लगा देते हैं दोनों, एक बीज का पौधा हो गया और एक जड़ से निकला हुआ जो पौधा था हमारा पहले का, उसे देख रहे हैं आप, वही है। दोस्तों हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।